आज की वीडियो में मैं आपके साथ साड़ी के दो ब्यूटीफुल से रियोज दिखाऊंगी। यहाँ पर एक साड़ी से, बहुत ही सिंपल साड़ी से हमने स्कर्ट और दुपट्टा निकाला है। इसके साथ ब्लाउज जो है वो मिक्स मैच किया जाएगा। तो ये जो है मैंने निकाला है, देखिए इस तरह की साड़ी थी ये, बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी थी, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉटन की, नॉर्मल कॉटन की साड़ी थी। आप देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन थी साड़ी, में सिर्फ ये बॉर्डर था। ये देखिए इस तरह का बॉर्डर था साड़ी में। ये इसका थोड़ा सा लेफ्ट ओवर फैब्रिक है जो रियूज के बाद बचा हुआ है। यहाँ पर आप देखिए मैंने सबसे पहले पल्लू पार्ट की साइड से दुपट्टा निकाला, ये देखिए इस तरह से ये पल्लू पार्ट की साइड से दुपट्टा निकाला है। 2.25 मीटर का दुपट्टा निकाला है हमने ये। और ये जो बॉर्डर थे वो ऊपर और नीचे के साइड तो बॉर्डर दिए हुए थे, साथ ही में हमने यहाँ पर इसमें पल्लू के साइड में देखे एक्स्ट्रा डिटेलिंग के लिए ये बॉर्डर भी अटैच किया है, और साथ ही में ये ट्रायंगुलर लेस भी अटैच कर दी इस तरह से। और पल्लू के दोनों ही साइड में हमने ये किया, ये दूसरी साइड है इसमें भी हमने बॉर्डर अटैच कर दिया है, और साथ ही में ये ट्रायंगुलर लेस अटैच कर दी है, जिससे इसमें बहुत ही अच्छा सा इस दुपट्टे में लुक आ रहा है। आप देख सकते हैं इस तरह से अगर ये दुपट्टा लिया जाए तो आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक आ रहा है। दुपट्टे का पूरा हैवी लुक आता है। अब इसके बाद जो दुपट्टे के साथ हमने नेक्स्ट यू जो लेफ्ट ओवर फैब्रिक से हमने यहाँ पर निकाला है दुपट्टा निकालने के बाद, वो हमने ये स्कर्ट निकाली, अम्ब्रेला स्कर्ट है। 2.25 मीटर का दुपट्टा निकाला है, उसके बाद लगभग 3 मीटर का फैब्रिक बचता है, उसमें हमने यहाँ पर अम्ब्रेला स्कर्ट निकाली है। दोनों ही साइड से आप फ्लेयर देखें, फ्लेयर बहुत अच्छा है इसका। इस तरह से अम्ब्रेला स्कर्ट निकाली है, और स्कर्ट के नीचे की साइड में हमने इस तरह से ट्रायंगुलर लेस दी है, और नीचे की साइड में पाइपिंग कर दी है। पूरे नीचे के घेरे में हमने ये ट्रायंगुलर लेस अटैच कर दी है, तो इसका जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आ रहा है। ये देख सकते हैं आप इस तरह से यहाँ पर आपकी स्कर्ट पार्ट आएगी, और यहाँ से ये दुपट्टा आएगा। इसके साथ ब्लाउज ब्लैक कलर में या कॉन्ट्रास्ट कॉम्बिनेशन में जो भी आप यूज़ करेंगे बहुत ही अच्छा आएगा। ये देखिए ये है हमारे फर्स्ट लहंगे का ओवरऑल लुक, देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल से स्कर्ट रेडी हुई है। इसके साथ अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पर जिमी चू फैब्रिक का बलून ब्लाउज, बलून स्लीव्स का ब्लाउज लगा दिया है, बट इसके साथ आप ब्राइट या प्लेन ब्लैक भी यूज़ करेंगे, या फिर बाग प्रिंट के या सिल्क का ब्लाउज भी यूज़ करेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आने वाला है। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा जो है सिंपल कॉटन साड़ी से बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस बन करके रेडी हो गई है। नेक्स्ट सेम यहाँ पर हमारे पास पोटा चेक के कॉटन की साड़ी थी, ये साड़ी थी देखिए ब्लैक साड़ी में है। इसमें से हमने ट्रांजी स्कर्ट निकाली है, ट्रांसपेरेंट स्कर्ट, इसमें लाइनिंग हमने नहीं डाली है, ट्रांसपेरेंट स्कर्ट निकाली है, क्योंकि तो इसमें एम्ब्रॉयडरी थोड़ी बहुत पहले से की हुई थी तो राजस्थानी सा लुक आ रहा है इसका। और साथ ही में हमने यहाँ नीचे 2 लेयर ट्रायंगुलर लेस अटैच कर दी है, इसके पूरे बॉटम में 2 लेयर ट्रायंगुलर लेस अटैच कर दी है। और ये वाला हमने अम्ब्रेला पैटर्न में ना बनाकर प्लीटेड पैटर्न इसमें ट्राई किया है। प्लीटेड पैटर्न इसलिए ट्राई किया है क्योंकि यहाँ पर ये जो वर्क है अम्ब्रेला में ये कट जाता है, पूरा कट हो जाता, हमने प्लीटेड पैटर्न यहाँ पर ट्राई किया है। ट्रांजी इसलिए बनाया क्योंकि इसके नीचे अनदर प्लेन ब्लैक स्कर्ट इसके साथ अंदर इनसाइड में यूज़ की जाएगी, इसलिए इसे हमने ट्रांजी बनाया है। देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्कर्ट बन गई है ये, देखिए बहुत ही खूबसूरत सा इसका लुक आ रहा है। इस तरह से हमने ये स्कर्ट रेडी की है, और इसका जो दुपट्टा है वो भी बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा दुपट्टा निकला है। तो इस तरह से साड़ी के जो रियूज़ हैं वो आप भी ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए अगेन हमने ये पल्लू पार्ट से दुपट्टा निकाला है पहले, और दोनों साइड में ये ट्रायंगुलर लेस अटैच कर दिए। ये देखिए ये हमारा पल्लू साइड था, यहाँ से हमने पहले ये दुपट्टा निकाल दिया 2.25 मीटर का, ठीक है 2.25 मीटर का हमने यहाँ से दुपट्टा निकाला है,
और ये इस दुपट्टे का ये लुकाना है इस तरह से। पूरा जो पल्लू पोर्शन है ब्यूटीफुल सा ये फ्रंट में इस तरह से आने वाला है और बहुत ही खूबसूरत लुक देगा। और ये है हमारे सेकेंड रीयूज़ का ओवरऑल लुक, आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा राजस्थानी सा लुक आया है। इस तरह के राजस्थानी लहंगे ऑन डिमांड बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो आपके पास भी अगर इस तरह की साड़ीज़ हों तो आप उनका यूज़ करके इस तरह के राजस्थानी लुक वाले बहुत ही ब्यूटीफुल गॉर्जियस लहंगे बना सकते हैं और अपनी साड़ी को एक डिफरेंट वे में यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको बहुत ही पसंद आया हो। तो इस तरह से साड़ी से अगर आप भी ट्राई करना चाहते हैं तो ये दो रीयूज़ हैं साड़ी से जो आप कर सकते हैं। एक अम्ब्रेला स्कर्ट विद दुपट्टा निकाल सकते हैं, अगर आपको दुपट्टा नहीं निकालना है तो आप उसके साथ ब्लाउज निकाल सकते हैं या श्रग निकाल सकते हैं, कुर्ती निकाल सकते हैं, शॉर्ट कुर्ती, लॉन्ग कुर्ती, बहुत सारे साड़ी के रीयूज़ आइडियाज़ होते हैं। अगर आप इस तरह के बनाए हुए ड्रेसेस को बहुत लॉन्ग टाइम तक यूज़ नहीं करते हैं, रीयूज़ कराने के बाद भी आप ड्रेसेस को बहुत ही जल्दी डिस्कार्ड कर देते हैं, तो इसके लिए ही ये आपको जो सेकेंड ऑप्शन ये ब्लैक में हमने दिया है वो सेकेंड ऑप्शन इसी के लिए है कि आप इसे ट्रांसपेरेंसी के साथ बनाएं और जो इसके अंदर की लाइनिंग वाला पार्ट है उसे आप अलग बनाएं। अगर आप गाउन भी बनाते हैं इन केस तो आप ट्रांसपेरेंसी के साथ गाउन को बनाइए और इन साइड में आप स्लीवलेस या शॉर्ट स्लीव्स के साथ आप बिल्कुल गाउन के नेक के थ्रू आप इन साइड में लॉन्ग इनर बना सकते हैं, लॉन्ग फ्रॉक जैसा, या आपके जो भी गाउन का साइज़ हो, फ्रॉक का साइज़ हो उसके अकॉर्डिंग। तो उसे आप फ्यूचर वाइज भी जो लाइनिंग वाला पार्ट है, इनर पार्ट है, उसे यूज़ कर सकते हैं और ऊपर का पार्ट आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड ये आइडिया आपके लिए यूज़फुल रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ अच्छे अच्छे डिज़ाइनर आइडियाज़ और बुटीक मैनेजमेंट टिप्स के लिए। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट डिज़ाइनर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।